नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। आज के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं तमकीनत। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूर्वी चंपारण में एक बार फिर चली गोली, बेखौफ अपराधियों ने मुखिया पति को मारी 3 गोलियां, जांच में जुटे पुलिस। अपने विभिन्न मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने ठप की स्वास्थ्य व्यवस्था, 9 सूत्री मांगों को पूरा होने तक हड़ताल जारी रखने की दी सरकार को चेतावनी। बिजली विभाग की लापरवाही से एक बार फिर हुआ हादसा, जर्जर तार टूटकर गिरने से गाय के बछड़े की हुई मौत, मौके पर मची अफरा तफरी। 9 पद स्थापित अंचल अधिकारी ने किया पदभार ग्रहण, मौके पर बोले सभी लंबित कार्यों में लाई जाएगी तेजी। बाढ़ आने से पूर्व, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद राहत एवं बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षित आपदा मित्रों को किया गया तैयार, जिला NDRF कमांडेंट ने दी अहम जानकारी। कोर्ट के आदेश पर एक वारंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा नायक हिरासत में। विश्व जनसंख्या दिवस पर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने विशेष लेक्चर का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने कहा परिवार नियोजन आवश्यक है लेकिन परिवार होने पर ही नियोजन का है महत्व। हरे पेड़ काटने के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, गैर मजरुआ जमीन पर पेड़ काट अवैध कब्जा करने को लेकर थाना में दिया आवेदन। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मनाया अपना 75वां स्थापना दिवस, स्कूलों में पेड़ पौधे लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश।